7-8 बीजेपी के उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे, वो 10-15 साल से लगातार अपने तन मन धन से यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, उन सबको दरकिनार करते हुए एक बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे टिकट दिया जाता है। बीजेपी का जो बाहरी उम्मीदवार आया है वो भारी मतों से चुनाव हारने जा रहा है। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए था और पार्टी को सोचना चाहिए था, जिसने कभी यहाँ टिकट की अपील ही नहीं की तो उसको कैसे टिकट दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा बीते दिन अपनी पहली सूची जारी की गई। इस पहली सूची के अंदर टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विजय बैसला को प्रत्याशी घोषित किया गया है। विजय बैसला किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कर्नल बैसला के वो बेटे हैं, वो लगातार टोंक जिले में सक्रिय रहे हैं, लेकिन स्थानीयता के मुद्दे पर अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि उनका भारी विरोध चालू हो गया है। लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, लोग जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिर विरोध क्यों है, आखिर ये विरोध क्यों। विरोध यहाँ पे 7-8 बीजेपी के उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे, वो 10-15 साल से लगातार अपने तन मन धन से यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, उन सबको दरकिनार करते हुए एक बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे टिकट दिया जाता है। उसका खामियाजा पूरा देवली उनियारा विधानसभा को ही नहीं पूरा टोंक जिला को भुगतेगा। जो टिकट दिया गया देवली उनियारा का टिकट जातिगत आधार पर माना जाता रहा है, गुर्जर समाज को यहाँ टिकट दिया जाता रहा है, फिर ये विरोध क्यों है आखिर। जातिगत आधार पर देते तो गुर्जर कैंडिडेट यहाँ बहुत है, स्थानीय गुर्जर कैंडिडेट भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर ले, उनको नहीं दिया गया और भारी प्रत्याशियों को दिया गया, इसलिए हम उनका भारी विरोध करते हैं। और यहाँ से बीजेपी का जो भारी उम्मीदवार आया है वो भारी मतों से चुनाव हारने जा रहा है। इनका कहना यह है कि क्योंकि स्थानीय नहीं है इसलिए हमारा विरोध है। देखिए वो कौन कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके हम ये कहें कि जो दावेदारी जता रहे थे जिन पर आपकी निगाह थी कि इनको टिकट मिलेगा तो हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा तो है था हमारा तो यही कहना था कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए था और पार्टी को सोचना चाहिए था, जिसने कभी यहाँ टिकट की अपील ही नहीं की तो उसको कैसे टिकट दिया गया। एक मतलब जनता इतनी खिलाफ जाएगी, एक सीट नहीं वो पूरे टोंक जिले से नहीं पूरे माधोपुर जिले की सीटें भी इससे हारेंगे, ये मेरा आपसे और मेरी पार्टी से वादा है। क्योंकि यहाँ भी तो इतने लोग, जाति का कोई मतलब नहीं है भाई, गुर्जर को मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था, है ना। जाति समीकरण पे भी अगर उन्होंने टिकट दिया है तो यह क्या गुर्जर नहीं थे, पूरे टोंक जिले में नहीं था क्या कोई स्थानीय गुर्जर। पार्टी को ये भी तो सोचना चाहिए था ना, जो एक बाहरी कैंडिडेट को जो यहाँ से मांग भी नहीं रहा था उसको टिकट दिया है तो बहुत गलती की है ना। कार्यकर्ता उसको 5 साल में पहचानने में लग जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसको ढूंढने, जाएंगे क्या कहीं, कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहता है, हम उसको 5 साल तो पहचानने में लगा देंगे तो फिर हम क्यों वोटिंग करेंगे उनको, क्यों करेंगे। मैं पार्टी की पदाधिकारी हूँ और 40 साल से पार्टी की पदाधिकारी हूँ तो फिर पार्टी को सोचना चाहिए था ना, हम तो ओपन और विरोधी हैं। ये कहना है कि बिल्कुल खुले रूप के अंदर जो विजय बैसला का विरोध कर रहे हैं, देखिए वो कौन से कैंडिडेट थे जिन पे आपकी निगाह थी कि यदि ये इनको टिकट मिल जाएगा तो भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। ऐसा है जी, मतलब हम पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, अभी तक हमने बैसला जी को अभी तक देखा ही नहीं शिकल से, यानी मतलब आज से 40 साल पहले से देख रहे हैं हम पार्टी के हर कार्यकर्ता को, और विजय बैसला जी को अभी तक देखा ही नहीं हमने कि कौन से हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, तो हम क्या जाने उनको क्या है। और पार्टी अगर किसी को भेज देगी हमारे लिए, तो पार्टी अगर कोई भी भेज देगी तो हमारा कार्यकर्ता है यूँ मान के चलिए, लेकिन हम जो है मतलब हम बैसला जी को नहीं जानते। वैसे बैसला जी अभी तक हमारे को सिग्नल अगर टिकट लेना था तो हमारे को दिखना तो चाहिए ना पहले कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं देवली उनियारा से। अभी तक जो है अभी तक किसी कार्यकर्ता के पास में नहीं आए वो, तो हम क्या जानेंगे वो हमारा काम कर सकते हैं। इनका कहना है कि कर्नल बैसला के जो बेटे हैं किरोड़ी बैसला के विजय बैसला, वो टोंक में सक्रिय जरूर है लेकिन देवली उनियारा क्षेत्र में उनका लोगों से मेल मिलाप नहीं रहा। तो देखिए आखिर कर्नल बैसला किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, अब उनके बेटे हैं, दिग्गज को दिया गया टिकट जहाँ भाजपा जीत की उम्मीद कर रही है। जी अच्छी बात है, विजय बैसला जी का भाजपा में स्वागत है, लेकिन उनको दौसा करौली जिले से लड़ाना चाहिए। यहाँ हमारे बीच में जो दिन रात रहते हैं कार्यकर्ताओं की डिमांड है स्थानीय प्रत्याशी की, तो यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए। और अभी जैसा कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा बाहर के रहे, अभी भी संभावना हरीश मीणा की बन रही है, 5 साल उनको जनता ढूंढती रही, तो यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होगा तो टक्कर देके उनको भगाएगा। विजय बैसला जी का उपयोग पार्टी कहीं भी ले सकती है, दौसा करौली बड़ा नाम है, कहीं भी उनको भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा 50 साल से चली आ रही थी, बाहर के प्रत्याशी लड़ते थे देवली से,
पिछले 10 साल से जाके टोंक जिले के स्थानीय प्रत्याशी भाजपा को मिले थे। अब दोबारा ये बाहर की परंपरा चला देंगे तो हर बार पैराशूट प्रत्याशी आएंगे, उनको साल 6 महीने कभी कभी उनके दर्शन होंगे। तो हम नहीं चाहते, बड़े नेता हैं, पांच पार्टी को विजय बैंसला जी को टिकट देना चाहिए, लेकिन दोसा करौली कहीं भी जाओ उनका उपयोग अच्छे से वहाँ देना चाहिए। यहाँ जब हम कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी मांग रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी यहाँ पे पार्टी के पास हैं जो जीता हुए हैं, और पटक नहीं देंगे हरीश जी को बिल्कुल, तो फिर ऐसा रोष क्यों करे भाजपा? और भाजपा को यहाँ के सर्वे पे चलना चाहिए था, कार्यकर्ताओं की डिमांड थी उसके अनुसार टिकट देना चाहिए था। हमारी यही भाजपा संगठन से मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं कहना है कि भाजपा ने अपने कई गोपनीय सर्वे कराए, कुछ ओपन सर्वे कराए होंगे, उसके अंदर जो लोकल प्रत्याशी आए थे जिनके नाम उभरे थे उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब यदि पार्टी चेंज नहीं करती तो फिर क्या होने वाला है? देखो, पार्टी चेंज नहीं करती है तो जो पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं वो सभी निष्क्रिय हो जाएंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी चुनाव कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएंगे तो ये जीतना चुनाव असंभव है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक रूप से उठाना पड़ेगा। हम मानते हैं कि इनको इनके गृह सेक्टर में टिकट दे देते, अपने यहाँ तो 10-10 प्रत्याशी थे, किसी भी एक को उतार देते, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भाजपा के जितने बड़े नेता आते रहे वो सब ये कहते रहे कि भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा इसका मतलब नहीं है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? कि ये विरोध इसलिए हो रहा है कि कमल का फूल और 36 कौम की पार्टी मानते थे, भारतीय जनता पार्टी को 36 कौम की पार्टी मानते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी भी जातीय तक ही सीमित गई, एक जातिवादी नेता को ला करके दूसरी जगह पटक रहे जहाँ पर कोई कार्यकर्ता परिचित नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं त्याग नहीं है, कोई सेवा नहीं है, क्या मतलब? उसको अगर टिकट देना था तो उसकी खुद की कॉन्टिटेंस थी, जहाँ पर वो करौली से बिलोंग करता है, वहाँ गुजरबावली इलाका था, वहाँ से टिकट देते, गंगापुर देते, दोसा देते, महुआ देते। लेकिन हमारे जो यहाँ पर पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है और अच्छी सेवा दी है, उनके लिए सब तैयार थे, पूरी संगठन मजबूत था, फिर ऐसे आदमी को लाकर के पार्टी को इस तरह से कमज़ोर किया है। इनका कहना था कि बाहर के जो कैंडिडेट को लाया गया, जो पैराशूट कैंडिडेट जिसको बताया जा रहा है विजय बैंसला जी को, उनको लाके पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर पार्टी हो सकती है क्योंकि कार्यकर्ता उतने रुचि से काम नहीं करेंगे। देखिए कहाँ जा रहे हैं आखिर बतवाने के लिए टिकट, कहाँ के लिए? हम जयपुर जाएंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी से अपील करेंगे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी जी उनसे भी अपील करेंगे कि हमारा जो टिकट फाइनल करा देव जुड़े रखा उसको चेंज करके हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जी गुर्जर को या किसी अलका जी को या किसी को भी स्थानीय उम्मीदवार को देके इस टिकट को कैंसिल करा जाए, वरना सारे जो पदाधिकारी वो निष्क्रिय हो जाएंगे और वो पार्टी कार्यकर्ता उनसे भी इस्तीफा देंगे। इनका कहना है कि जिस तरह का विरोध है कि सारे बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, हालांकि चुनाव के टाइम इस तरह की बातें आम होती हैं, अपने आदमी के लिए टिकट मांगना, विरोध जताना, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होना है ये बताएं आप? इसका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे साहब, बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। स्थानीय में से जिनके पैनल थे, पार्टी ने सर्वे करवाया, पैनल बनाया, तो फिर उसका क्या मतलब लिख रहा साहब? बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे थोप दिया तो भाई, पार्टी ने पैनल बनवाया, सर्वे करवाया, तो किसी आधार पे कराया ना भाई, स्थानियों को टिकट मिलेगा, बाहरी को थोप दिया तो इसका तो पूर्ण जोर से विरोध करेंगे और आने वाले टाइम में पार्टी को इसको हरियाणा भुगतना पड़ेगा साहब। देखिए ये लोग वो लोग हैं जो कि अभी जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहां जो पार्टी के जो आला नेता हैं जो कि टिकट वितरण से जुड़े हुए हैं या और जो भी नेता इनके संपर्क में होंगे उनसे ये मांग करेंगे कि विजय बैंसला के टिकट को बदला जाए। अगर टिकट को नहीं बदला जाता है तो इनकी चुनौती और इनकी चेतावनी साफ है कि यहाँ भाजपा के लिए ये क्षेत्र माइनस या घाटे का सौदा बन सकता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।